नमस्कार, सनमार्ग लाइव के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। इस न्यूज रूम के माध्यम से हम आपको अपने सहयोगियों के जरिए बताएंगे कि क्या कुछ प्रमुख खबरें रही दिन भर की। आज सबसे पहले बात करेंगे अपने वरिष्ठ संपादक संजय समर से और जानेंगे उनके पास आज क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं। जी देखिए खुशबू, सबसे बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने माना है कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है। उन्हें कुलभूषण के मामले में जो भी कदम उठाया है वो गलत है और वो वियना संधि का उल्लंघन माना जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूरोपीय जो 28 सांसद कश्मीर मामले में जाने वाले थे कि धारा 370 हटने के बाद वहाँ की स्थिति क्या है, किस तरह काम कर रही है सरकार या कैसे कैसे क्या हुआ है, उस पर कई विपक्षी पार्टियों ने उंगली उठाई। उसके जवाब में भारत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है और ये कहा है कि ये सिस्टम है, ये व्यवस्था है कि हम लोग बाहर के लोगों को बुला करके और अपने देश के कई हिस्सों में हम लोग भेजते हैं जानने के लिए कि वहाँ के नागरिकों की क्या स्थिति है और किस ढंग से रह रहे हैं। इसलिए कश्मीर मामले पर किसी को उंगली उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो सांसद गए हुए हैं लोग, वो वहाँ का अध्ययन कर करके जो रिपोर्ट देंगे उस पर आगे की कार्रवाई होगी। अब हम चले देश की ओर चले तो महाराष्ट्र में जो भाजपा और शिवसेना गठबंधन जीत कर जो आई हुई है उसमें जो रार जारी है वो आज जारी ही है। आज शिवसेना की बैठक हुई, उस बैठक में लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि आदित्य ठाकरे को शिवसेना विधानसभा विधायक दल का नेता चुना जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता चुना और वो शिवसेना को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक का जो बातचीत हुआ है उस बातचीत के हिसाब से ये सारी बातें स्टैंड कर रही हैं कि सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। आज की बैठक से भी ये खबरें छन करके जो बाहर आई हैं वो मैं बता दूं कि शिवसेना किसी सूरत पर मानने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना किसी तरह से तैयार नहीं है कि महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री बनेगा वो किसी दूसरे पार्टी का बनेगा। इनका सीधा कहना है कि 50-50 की बातचीत हुई थी, अब 50-50 नहीं, अब हिस्सा हमको पहला मिलना चाहिए। इधर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने के जो जिनका चेहरा लेकर के मुख्यमंत्री बनाया गया था कि देवेंद्र बनेंगे, देवेंद्र ने भी कहा है कि वो शिवसेना के साथ सरकार बनाएगी, लेकिन यह रार अभी जारी है, शिवसेना कहीं से तैयार नहीं है। जी तो क्या कुछ चल रहा है जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान को लेकर के क्या कुछ अपडेट है और इसके साथ ही महाराष्ट्र चुनाव के क्या कुछ अपडेट है, शिवसेना से लेकर भाजपा तक क्या चल रहा है महाराष्ट्र में और क्या होने वाला है आगे, इसके सारे अपडेट्स आपको हमारे वरिष्ठ संपादक ने दिया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले सहयोगी गौतम चौधरी से और जानते हैं उनके पास आज क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं। जी आज की जो प्रमुख खबर है वो मौसम से संबंधित एक खबर ये है कि आने वाले समय में 2-3 दिनों तक किसी प्रकार के मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तापमान में गिरावट आएगी और विगत 24 घंटे का तापमान की ये स्थिति है कि प्रदेश का सबसे गर्म जिला जमशेदपुर रहा जहां 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहा अधिकतम, और सबसे कम तापमान वाला जगह रांची है जहां न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। दूसरी एक बड़ी खबर ये है कि एक यहां बहुत बड़े आध्यात्मिक संत हैं शिव शिष्य परिवार के हरेंद्रानंद जी महाराज, उनका आज जन्म दिवस मनाया गया बड़ा धूमधाम से और विशेष शिव चर्चा का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस समीर उराव का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने उसमें काफ़ी बातें कही है। झारखंड में पहली बार आदिवासी नेतृत्व में राशि देने वाली रघुवर सरकार है और अपनी सरकारों का कई प्रकार का व्याख्यान किया उन्होंने। तो ये तीन मेरे पास खबर है।
जी, तो जैसा कि आपको हमारे सहयोगी ने बताया है कि अभी आने वाले कुछ समय तक मौसम अपना करवट नहीं बदलेगा। आगे बात करते हैं अपने अगले सहयोगी विनोद पाठक से और जानते हैं उनके पास आज क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं। जी विनोद जी, कि अभी पूरा बिहार समेत और पूरे मतलब भारत के कई प्रमुख हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहाँ छठ व्रत जो है, चार दिवसीय छठ व्रत में के जो भक्ति में है डूबा हुआ है। आज नहाए खाए था, कल खरना होगा और उसके बाद परसों दिन जो पहला अर्घ होगा, उसके बाद उसके सुबह में अंतिम अर्घ के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को जो व्रती हैं वो अर्घ देंगी। तो इसको लेकर के पूरे राजधानी में जो है पूरा बाजार सजा हुआ है, जो छठ पूजा का सामग्री बिक रही है। और इस बार जो है जितनी सामग्रियां बिक रही हैं उसमें 5 से 10% का जो है वृद्धि देखने के लिए मिल रहा है। महंगी हो गई हैं चीज़ें, जैसे कि आप ईख का ही ले लीजिए, ईख इस बार जो है 50 रुपये जोड़ा बिक रहा है, पिछले बार यह 40 रुपये या 30 रुपये जोड़ा बिकता था। वहीं उसी तरह से सूप हो गया, दौरा हो गया, तो दौरा में भी 600 रुपये का एक दौरा मिल रहा है, जो दोहरा दौरा बोला जाता है। एक हरिया दौरा 180 रुपये मिल रहा है। तो हर एक चीज़ जो है चीज़ में वृद्धि हुई है, महंगाई का असर है, फिर भी लोग उत्साह के साथ इस व्रत को करने वाले खरीद रहे हैं और काफ़ी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है बाजार में। जी, तो जैसा कि आपको हमारे सहयोगी ने बताया कि छठ पर्व को लेकर के रांची पूरे तरीके से तैयार है, चाहे वो बाजार हो या फिर खरीदार। बाजारों की बात करें तो महंगाई बहुत ज्यादा है, पर इसके बाद भी उत्साहित है लोग और जा करके अपने सामग्री को खरीद रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले सहयोगी विशाल भारद्वाज से और जानते हैं उनके पास आज क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं। जी विशाल जी, खुशबू, आज मेन रोड स्थित जिला स्कूल में विज्ञान संगोष्ठी 2019 का आयोजन किया गया था और इस आयोजन में जिला के 12 स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। और यहाँ के शिक्षक ने बताया कि यह जो विज्ञान संगोष्ठी है यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और जो मेरा दूसरा खबर था वह आईआईएम का था और यहाँ पर डेटा प्राइवेसी पर एक परिचर्चा रखी गई थी और इस परिचर्चा के मुख्य जो वक्ता थे वे डेनियल कैस्ट्रो थे। उन्होंने बताया कि आने वाला समय डिजिटलाइजेशन का है और यह जो युग है वह डिजिटलाइजेशन युग से जाना जाएगा। जी, तो जैसा कि आपको हमारे सहयोगी ने बताया कि विज्ञान संगोष्ठी का मेन रोड में आयोजन किया गया है और वहीं दूसरी तरफ डिजिटलाइजेशन को लेकर के उस पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जो कि एक अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सहयोगी नीतीश कुमार से और जानते हैं उनके पास आज क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं। जी नीतीश, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि था, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मतिथि था। इसे लेकर कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि मनाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मतिथि मनाया गया। जी, तो जैसा कि आपको हमारे सहयोगी ने बताया कि कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि मनाई गई। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस भवन में इंदिरा गांधी के किए गए कार्यों की उल्लेखना भी की गई। आगे बात करते हैं अपने अगले सहयोगी मनीष झा से और जानते हैं उनके पास आज क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं। देखिए खुशबू, अगर प्रमुख खबर की बात करेंगे तो बीजेपी में झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस संवाददाता का आयोजन किया जिसमें समीर उरांव तो जो राज्यसभा सांसद है उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार के दिल में बसता है आदिवासी समाज के लिए रघुवर सरकार ने जो 5.25 साल में कार्य किए हैं वो विशेष सराहनीय है। उन्होंने 427 करोड़ रुपये आदिवासी छात्र छात्राओं में 30 लाख बच्चों को उन्होंने प्रदान किए हैं, जो एक अपने आप में अनोखा कार्य है। और उन्होंने कहा आदिवासी समाज के लिए आवास योजना जो दिया जा रहा है वो जो अन्य सरकार नहीं कर पाए तो वो रघुवर सरकार किए हैं। और इन सब विकास के कार्य को उन्होंने उपलब्धियाँ गिनाई। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में जो विकास हुआ है वो 2.5 साल जो JMM का सरकार था उसमें भी नहीं हो पाया, इसलिए आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में 65+ का जो नारा दिया गया है वो पूरा होगा, उससे कहीं 65+ से अधिक होगा। और दूसरी खबर की बात करेंगे खुशबू, छठ महापर्व की बात करेंगे, बड़ा तालाब की बात करेंगे, वहाँ पे
अब और छठ व्रतियों के लिए उस तालाब को अभी तक साफ कराया जा रहा है, लेकिन निगम अपनी ओर से भरसक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस कार्य को दो महीना पहले दिया जाना चाहिए निगम को, जो ठेकेदार वहाँ कार्य किया उनको एक सप्ताह 10 दिन पहले दिया गया, जिससे कतई संभव नहीं है कि तालाब को पूर्ण तरह से निर्मम किया जाए। वहाँ पर जलकुंभी इतनी तादाद में है कि आपको वो साफ करने में करीब 3 से 4 महीने लगेंगे, लेकिन तब भी निगम अपना भरसक प्रयास कर रही है छठ व्रतियों के लिए। वहाँ पर निगम को पूरी तरह ध्यान देना पड़ेगा, अभी तो वहाँ पर इस दुर्गंध की भी समस्या बनी है, लेकिन उसको देखना होगा निगम उसको कितना जल्द उसे स्वच्छ करने का कार्य करती। तीसरी खबर की बात करेंगे खुशबू, NDA की आजसू, और आजसू ने अभी 22 सीटों का अपने मांग अपने केंद्र नेतृत्व को सौंप दिया। रघुवर सरकार तो उनकी उतना सीट उनको देती है कि नहीं, जो भाजपा है यहाँ की, जो NDA में अगर बात करेंगे, लेकिन जो बीजेपी की करीब से 6 सीट ऐसी है जहाँ पे आजसू और अब बीजेपी की तकरार है। अब देखना होगा कि आजसू NDA के साथ रहती है या नहीं, इसमें पूरी तरह से तकरार होने को ही है। इसको लेके हो सकता है बहुत जल्द ही सुदेश महतो जो आजसू जिनकी पार्टी है उनके साथ बीजेपी बैठकर इस मशवरा को जल्द ही निपटाने की कोशिश करेंगे कि आजसू को किस प्रकार मनाया जाए। जी, तो जैसा कि आपको हमारे सहयोगी ने बताया है कि भाजपा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका संबोधन राज्यसभा सांसद सुनील उरांव ने किया, और उन्होंने आदिवासी के लिए किए गए कार्यों को, रघुवर सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को गिनवाया। वहीं दूसरी तरफ अगर NDA की बात करें, जी, तो जैसा कि आपको हमारे सहयोगी मनीष झा ने बताया कि भाजपा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें समीर उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, और संबोधित करते हुए उन्होंने रघुवर सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। और अगर दूसरी खबर की बात करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और विधानसभा चुनाव को लेकर आजसू जो है वो भाजपा से 22 सीटों की मांग कर रही है। अब देखना यह है कि क्या उन्हें 22 सीट भाजपा देती है या फिर नहीं। तो ये थे दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ खुशबू राय, सनमार्ग लाइव, रांची।